हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईए एसपीएससी सॉल्यूशन में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है बिहार करंट अफेयर का। मैं दो पार्ट लेकर आऊँगा, एक पार्ट और हमारा आएगा। और ये देखिए, बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई को जो है एग्जाम होने वाला है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार करंट अफेयर को, ठीक है। देखिए, पहला है बिहार कृषि रोड मैप 2017-22, ठीक है। बिहार कृषि रोड मैप के ऊपर पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या है नहीं है, ठीक है। प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, बिहार कृषि रोड मैप 2017 से 22, ये है क्या। देखिए, भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिहार की 89%, ठीक है, 89% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है पूर्वी भाग में स्थित बिहार, ठीक है, बिहार की 89% जनसंख्या जो है वो गाँवों में निवास करती है, और जनसंख्या का 76% जो भाग है वो आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। मतलब कि एग्रीकल्चर पर, कृषि पर आधारित है, सॉरी आश्रित है 76% जनसंख्या बिहार की, टोटल 89 में, ठीक है, 89 में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो है, कितने लोग जो हैं वो कृषि पे डिपेंड है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। तो किसानों को केंद्र में रखते हुए बिहार सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि रोड मैप योजना तैयार की, ठीक है, कृषि रोड मैप योजना तैयार की है। इस रोड मैप का उद्देश्य प्रथम हरित क्रांति से छूटे बिहार में इंद्रधनुषी क्रांति लाना है, जो टिकाऊ तथा सदाबहार हो, ठीक है। हाल ही में इस रोड मैप की तृतीय श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। थर्ड जो है, तृतीय श्रृंखला जो है, ये था, ये शुरुआत किया गया है 9 नवंबर 2017 को, ठीक है। 9 नवंबर 2017 को भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, जो कि यहाँ के बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, उन्होंने तीसरे बिहार कृषि रोड मैप 2017-22 का पटना में शुभारंभ किया, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ याद रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए, बिहार सरकार ने किसानों के, कृषि वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श कर वर्ष 2008 में पहले कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया है। इस रोड मैप के अंतर्गत व्यापक और समन्वित योजनाएं हैं, याद रखिएगा। खैर, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये जो पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, इसका पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पीडीएफ है ये, ठीक है। देखिए, कृषि रोड मैप का उद्देश्य राज्य में फसल, सब्जी, दलहन, तिलहन, फल, दूध, मांस, मछली और अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि निर्यातक की स्थिति को प्राप्त करना है। मतलब कि इस पे इन लोगों को डिपेंड ही नहीं बल्कि इसको निर्यात करना दूसरे राज्यों में भी है, ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तीसरे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इतना पैसा दिया है, कितना दिया है, 1,54,636.69 करोड़, ठीक है, 154 सॉरी एक 1,54,636, बस इतना डेटा जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। ज्ञात हो कि चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष अप्रैल 2017 में मनाया जा रहा है, ऐसे में यह किसान के हित में नए कृषि रोड मैप का सही समय है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है, बिहार में ई सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ई सिगरेट क्या होता है? ई सिगरेट जो होता है, देखिए, एक सिगरेट की तरह ही होता है और उसमें लिक्विड लगाया हुआ होता है और उसमें एक बैटरी होता है, ठीक है, और उसी बैटरी के माध्यम से जो है एक भाप निकलता है, ठीक है, और उस भाप को सिगरेट की तरह लोग जो है यूज करते हैं, ठीक है, यही है ई सिगरेट, ठीक है। देखिए, ई सिगरेट पर भी, पीने पर भी बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, पीने पर और ट्रांसपोर्ट पर भी, और आप ऑनलाइन भी इसको परचेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पर जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। इसमें निकोटिन होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, इसमें निकोटिन होता है और इसकी बढ़ती मात्रा को देखकर ही इस पे रोक लगा दिया गया है ई सिगरेट पीने पर, ठीक है। चलिए, देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बिहार जो है ई सिगरेट पे प्रतिबंध लगाने वाला कैवा स्टेट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बिहार जो है देश का 8वां राज्य है जो
ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर प्रदेश पर पाबंदी लग चुकी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पहला है पंजाब और आठवां है बिहार। बिहार सरकार द्वारा यह तय किया गया कि अगर कोई व्यक्ति ई सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाता है, देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ई सिगरेट पीते हुए अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 3 साल की सजा के साथ साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, ठीक है। यह है इसके लिए सजा। सरकार के इस निर्णय के बाद ई सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन पर भी रोक लगा दिया गया है, ऑनलाइन भी ऐड इसका नहीं हो सकता है। ई सिगरेट से होने वाले नुकसान, खैर ये तो आप लोग जानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, नुकसान क्या है इससे, ठीक है। देखिए ई सिगरेट मैंने बताया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। पटना हाई कोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिया है कि समान काम के लिए समान वेतन, बहुत लोग धरना दे रहे थे जो नियोजित शिक्षक थे, इसमें उन लोगों को ये लगा कि हम लोग काम जो कर रहे हैं, हम लोग दो लोग काम कर रहे हैं, दो टीचर हैं स्कूल में, दोनों टीचर एक ही काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है सैलरी कम है और इसका जो सैलरी है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसका सैलरी ज़्यादा है, तो इसी को दूर किया गया है, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, जो नियोजित शिक्षक थे बिहार में, इनका जो सैलरी था वो एक चपरासी से भी कम था, ठीक है। देखिए यहाँ से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर राज्य के नियोजित शिक्षकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। नियोजित शिक्षकों की ओर से वरीय अधिवक्ताओं राजेंद्र प्रसाद सिंह, पीके शाही, विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा ने शिक्षकों को मिल रहे वेतन में भेदभाव करने का आरोप लगाया, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये जो है ये मुंगेर के एक व्यक्ति ने सबसे पहले कोर्ट में अपनी केस डाली थी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण है, देखिए समान काम के लिए समान वेतन की जो मांग है, समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग जो है, इसको लेकर सबसे पहले मुंगेर के हवेली खड़गपुर स्थित बनहरा स्कूल के शिक्षक उपेंद्र राय ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद 13 अन्य मामले दायर किए गए और सभी मामलों को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को सलाह दी थी कि सरकार इस नीति पर विचार करे, जिससे बिहार के नियोजित शिक्षकों में उम्मीद जगी थी, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। बिहार सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में दिव्यांगों हेतु आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। शैक्षणिक जो भी संस्थान है उसमें दिव्यांग के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो प्रदान की गई है। देखिए यहां से महत्वपूर्ण है, देखिए यहां जो मुख्य बिंदु दिया हुआ है ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को दिए जा रहे आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। यही क्वेश्चन यदि इससे पूछा गया तो यही क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि 3% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है, या पहले इतना था या अब इतना हो गया है, कूट में भी चुनने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा पहले था 3%, अब कर दिया गया है 4%, ठीक है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु दाखिल खारिज प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। इसको लेकर बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2017 को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी फैसले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं उसको भी। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए, जिसमें राज्य के कर्मियों को 7वें वेतन आयोग के तहत भत्ते दिए जाने का निर्णय भी शामिल है, ठीक है। आवासीय भत्ते को 4 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। पटना में रहने वाले कर्मी को मूल वेतन का 16% भत्ता दिया जाएगा, याद रखिएगा। पटना में जो भी लोग रह रहे हैं उसका मूल वेतन का 16% जो है वो भत्ता दिया जाएगा। अन्य बड़े शहरों
जो जेड श्रेणी में रखा गया है, जहां 8% भत्ता दिया जाएगा, ठीक है, वहां कितना दिया जाएगा, 8% जो है भत्ता दिया जाएगा। छोटे शहरों में 6% और प्रखंड थाना आदि में रहने वाले कर्मियों को 4% आवासीय भत्ता मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नई दिल्ली में रहने वाले राज्य कर्मियों को 24% आवासीय भत्ता दिए जाने की घोषणा की है, तो ये याद रखिएगा, दिल्ली में रहने वाले बिहारियों के लिए, ठीक है, राज्य कर्मियों को 24% जो है आवासीय भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है, और पटना में रहने वालों के लिए 16%, याद रखिएगा। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 1935 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने बाढ़ राहत के लिए 1935 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ मदद किया था। देखिए, बिहार में बाढ़ जो है कोसी नदी लाती है, आप सभी लोग जानते हैं, और बहुत भयानक जो है वो बाढ़ लाती है, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बिहार सरकार 29 अगस्त 2017 को बाढ़ राहत के लिए 1935 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बाढ़ राहत के लिए आकस्मिक निधि से 1935 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इस राशि से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 6,000 रुपये, याद रखिएगा, प्रत्येक पीड़ित परिवार को 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, सॉरी, जिसमें 3,000 रुपये नगद और 3,000 रुपये खाद्यान्न के लिए दिए जाएंगे, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बिहार में बाढ़ से प्रदेश में मरने वालों की संख्या जो है वो 514 हो गई थी। बाढ़ से 19 जिले कौन कौन, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण, सिवान, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया की 1,71,64,000 आबादी जो है वो प्रभावित है। तो ये याद रखिएगा, कितने जिले, 19 जिले, ठीक है। देखिए, एमपी सरकार ने बिहार में बाढ़ राहत और पुनर्वास के लिए 29 अगस्त 2017 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है, याद रखिएगा, 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2017 को बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, ठीक है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी 500 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता की घोषणा की, इसको भी आप याद रखिएगा। बिहार सरकार ने राज्य में तीसरे निजी विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति प्रदान की है, ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, 1 मिनट, ये काफी महत्वपूर्ण है। राज्य के सभी 80 SC ST आवासीय स्कूल, 80 SC ST जो भी आवासीय स्कूल है, इसको 10+2 श्रेणी में अपग्रेड किए जाएंगे, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। 80 स्कूल को जो है वो 10+2 में अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। इन सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। 8 अगस्त 2017 को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। कैबिनेट के अन्य फैसले इस प्रकार हैं। देखिए, बिहार राज्य में कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए 2017-18 के दौरान 102 करोड़ 76 लाख सहायक अनुदान के रूप में दिए गए, याद रखिएगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए 102 करोड़ 76 लाख रुपए जो है अनुदान में के रूप में दिए गए हैं। एक चीज और याद रखिएगा, गया में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुदान से सीवरेज परियोजना फेज 1 हेतु 370 करोड़ रुपए और नगर अंचल कंडी में 12 एकड़ भूमि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु आवंटित की गई, ये चीज भी आप याद रखिएगा। इसके बाद है जैविक खेती प्रोत्साहन योजना हेतु वर्ष 2017-18 में 129 करोड़ रुपए का आवंटन वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनी किट योजना, बीज वितरण कार्यक्रम एवं आधार बीज पर अनुदान योजना मद में 60.10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, ये चीज भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण तो बातें लिखी हुई हैं। देखिए, भागलपुर में IIT के संचालन
के लिए राजेंस के रूप में 44 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके संचालन के लिए 50% हिस्सेदारी जो होगी वो केंद्र की, 35% राज्य की, 15% इंडस्ट्रियल पार्टनर के रूप में बेल्ट्रॉन को दी गई है। ठीक है, बेल्ट्रॉन को याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीडीएफ एक बार जरूर पढ़िएगा आप लोग इसको डाउनलोड करके। बिहार सरकार ने 50 साल के ऊपर के अध्यापकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया है। एज जो है इसमें पूछा जाएगा कि कितने वर्ष तक के ऊपर के अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो आप याद रखिएगा 50 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष। ऐसा सरकार को लगा कि इससे ऊपर के जो लोग हैं वो काम ढंग का नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनको जो है वो सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। ठीक है, बिहार में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। गठबंधन था लालू यादव जी के साथ, राजद के साथ नीतीश कुमार का, वो गठबंधन टूटा और इसके बाद जो है बीजेपी ने समर्थन दिया। तो देखिए, सबसे कम समय के लिए अगर मुख्यमंत्री पूछे तो नीतीश कुमार, पहले थे 3 दिन के लिए, लेकिन अभी जो है देखिए 26 जुलाई 2017 को शाम 6 बजे तक महागठबंधन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री पद पर बैठे नीतीश कुमार ने 6:30 बजे पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, याद रखिएगा 6:30 बजे, 6:30 मिनट पे जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और रात के 9 बजे तक उन्हें एनडीए का नेता घोषित कर दिया गया। तो 3 घंटे, दो ढाई घंटे, ठीक है, ढाई घंटे जो है ये मुख्यमंत्री, ढाई घंटे के बाद जो है ये फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो कितने समय के लिए जो है सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे? नीतीश कुमार। कितने? 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे, ये चीज आप याद रखिएगा। और ये जो है नीतीश कुमार अब की बार छठी बार जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, और देखिए सुशील कुमार मोदी जो है वो उप मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं और वित्त मंत्री भी यही बने हैं। सुशील कुमार मोदी ही वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। देखिए इसमें जो है नीतीश कुमार के पक्ष में जो है 132 विधायक थे। ठीक है, 132 विधायकों का समर्थन इनको मिला। और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी नीतीश कुमार से मिले। खैर ये महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान में बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 71 विधायक हैं, बीजेपी के पास 53 विधायक हैं और राष्ट्रीय जनता दल राजद के पास 80 विधायक हैं। तो ये भी याद रखिएगा। बिहार में सातवें वेतनमान को मंजूरी, 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन। देखिए सातवें वेतनमान को मंजूरी दे दी गई है बिहार में, कम से कम जो है वो वेतन 18,000 रुपये होगा, याद रखिएगा। यह महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार के अनुसार, केंद्र के अनुसार बिहार सरकार के कर्मियों के भी मूल वेतन को बढ़ाकर 2.57 गुना किया गया। अब न्यूनतम वेतन 5,200 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। और ये जो है ये कब से प्रभावित हुआ है? 1 अप्रैल 2017 से, ये भी आप याद रखिएगा। औसत रूप में कर्मचारियों के वेतन में 14 से 15% की वृद्धि होगी। इस फैसले से राज्य कर्मी का न्यूनतम वेतन जो है वो 18,000 से 56,900 और अधिकतम जो है वो 1,44,200 से 2,18,000 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रेच्युटी 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए हुई, और ये चीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सातवां वेतन लागू होने से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना जो है वो कितना बोझ पड़ेगा? एक्स्ट्रा 65 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा 65 करोड़ रुपए, सॉरी 6,600 करोड़ रुपए, 6,600 करोड़ रुपए। ठीक है, इस निर्णय से 3.65 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनरों के अतिरिक्त नियोजित शिक्षकों को भी लाभ होगा, ये आप याद कर लीजिएगा डेटा। देखिए बिहार सरकार ने जो है वो ई स्टाम्प प्रणाली को मंजूरी प्रदान की है। ई स्टाम्प क्या होता है? ई स्टाम्प होता है
आप कंप्यूटर के द्वारा स्टाम्प जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। स्टाम्प का जो नंबर होता है वो उस पर लिखा हुआ होगा। इससे फायदा ये होगा कि सरकार के खाते में जो है राजस्व में बढ़ोतरी होगी, और बीच में जो बिचौलिए थे जो डुप्लीकेट करते थे उसका वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सारा ये इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से तो ये जो है काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा किया है सरकार ने इस स्टाम्प को लॉन्च करके। देखिए स्टाम्प पेपर के स्थान पर ये स्टाम्प पेपर खरीदने में आम जनता को अधिक सुविधा भी होगी। कहीं भी दुकान पे आप प्रिंट करवा सकते हैं ये स्टाम्प। खैर ये जो है अभी शायद सीएससी को दिया गया है, सीएससी के पास से आप इसको डाउनलोड कर प्रिंट करवा सकते हैं इस स्टाम्प को। ये स्टाम्प पेपर के लागू होने से राज्य का राजस्व भी बढ़ जाएगा। लोगों द्वारा की जाने वाली स्टाम्प शुल्क की चोरी पर भी प्रतिबंध लगेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस इतना ही है आज के लिए करंट अफेयर। दूसरा पार्ट जो है वो बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा, बिहार करंट अफेयर और बिहार की जो योजनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं देखूंगा अगर एक वीडियो में हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो दो वीडियो में लेकर आऊँगा बिहार के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ क्योंकि अब समय नहीं है, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।